अपने पैंट को या जीन्स को उतारते हो तो आपके पूरे पैर में बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। टीचर के द्वारा हमें दिया गया एक वरदान है, एक प्रोडक्ट है और हमारे बॉडी पे व्हाइट ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है जो हमारे जर्म से फाइट करती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आदित्य सुम। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर प्रॉब्लम के बारे में। और समय ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर किसी को होता है जो घर से बाहर जाते हैं, धूप में रहते हैं। लगभग सभी लोगों को इस प्रॉब्लम से गुजरना ही पड़ता है गाइस, तो वो है इचिंग प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये जरूर रियलाइज किया होगा कि जब भी आप बाहर से आते हो धूप से, बहुत ज्यादा गर्मी से, और जैसे ही आप अपने पैंट को या जीन्स को उतारते हो तो आपके पूरे पैर में बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो गाइस, ऐसा इसलिए होता है कि बहुत देर तक जींस को पहने पहने वहां पे पसीना आता है और पसीना आए आए वहां पे बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगती है और बैक्टीरिया उत्पन्न होने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज हो जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं और वहां पर हमें इचिंग प्रॉब्लम होने लगती है। और गाइस, कभी कभी तो यह प्रॉब्लम इतना ज्यादा भी बढ़ जाता है कि वहां पे इचिंग करते 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 वहां से ब्लड खून भी निकलने लगता है। और गाइस, ये प्रॉब्लम आपको कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे आपके पैरों में, आपके पीठ में, आपके गर्दन पे, ये आपको किसी भी जगह पे हो सकती है। जहां भी पसीना आएगा, जहां भी बैक्टीरियाज होंगे, वहां पे इचिंग प्रॉब्लम हो ही जाती है। और गाइस, ये प्रॉब्लम तभी होगी जब बहुत देर तक स्वेटिंग जो है पसीना आपके बॉडी पे ही रहेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और इसे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसे हम बच कैसे सकते हैं। तो गाइस, बचने के लिए एक ही बहुत ही आसान तरीका है कि आप जब भी बाहर जाने वाले हो तो एक एंटीबैक्टीरियल जो पाउडर होते हैं मार्केट में, मैं किसी पाउडर का नाम नहीं बताने वाला हूँ, जो भी अच्छा सा पाउडर आपके मार्केट में मिलता है वहाँ से जाके आप खरीदो और जब भी आप बाहर निकलने वाले हो तो आपके पूरे बॉडी पे उस पाउडर को लगा लो। पाउडर लगाने से क्या होगा कि वो अपने आपके स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करेगा और बहुत ज़्यादा पसीना आने से रुकेगा, और पसीना नहीं आएगा तो आपको बैक्टीरियाज नहीं होंगे, बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो इचिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो भाई, ये तो बात होगी कि आप इससे कैसे बच सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हमें इचिंग प्रॉब्लम हो गई है तो इसे हम ठीक कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने टी ट्री का नाम तो जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं एड में या फिर कहीं पे भी, गूगल्स पे या फिर यूट्यूब पे कभी ना कभी टी ट्री के बारे में तो आप लोग जरूर सुना होगा, कुछ लोग तो जानते भी होंगे, यूज भी कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताया था कि मैं टी ट्री ऑयल क्यों बोल रहा हूँ। तो गाइस, टी ट्री ऑयल एक ऐसा नेचर के द्वारा हमें दिया गया एक वरदान है, एक प्रोडक्ट है जो हमारे लिए, हमारे इस जो खुजली का जो ये प्रॉब्लम है, इचिंग प्रॉब्लम, इसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो गाइस, टी ट्री ऑयल में टर्पाइनिन होता है जो बैक्टीरियाज, वायरस और फंगी को मारता है और हमारे बॉडी पे व्हाइट ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है जो हमारे जर्म से फाइट करती है। तो गाइस, टी ट्री ऑयल की यही एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इचिंग प्रॉब्लम में इसे यूज कर सकते हो और ये आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। गाइस, अब आप ये सोच रहे हो कि कौन सा टी ट्री ऑयल हमें यूज करना चाहिए। तो गाइस, आप बॉडी वॉश बेस्ड टी ट्री ऑयल यूज करो, मतलब कि जो टी ट्री ऑयल बॉडी वॉश जो होता है नहाने के टाइम जो यूज किया जाता है, उसमें टी ट्री ऑयल एक्सट्रैक्ट जो होता है वही आप यूज कीजिए। इससे आप नहाने के टाइम उसे यूज कर सकते हो और आप नहा भी लोगे और आप टी ट्री ऑयल जो अपने बॉडी पर लगाना चाहते हो वो भी लग जाएगा और आपका सारा का सारा बैक्टीरियाज भी खत्म हो जाएंगे और आपका इचिंग प्रॉब्लम भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। गाइस, उसी प्रोडक्ट की यूज करना जो प्रोडक्ट ये क्लेम करती हो कि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो, मेरे वीडियो हमेशा रेगुलरली देखते हो, तो आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट नेचुरल होता है और कौन सा केमिकल से भरा हुआ होता है। अगर आपको ये नहीं पता, इसका मतलब आप लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो आज के लिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें SLS नहीं होना चाहिए, पैराबेन नहीं होना चाहिए और कोई एडेड फ्रेग्रेंस ये सब नहीं होना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट बहुत हद तक नेचुरल होता है और उसके इंग्रेडिएंट जरूर चेक कीजिएगा, उसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा रोजाना लेकर आता रहता हूँ, शॉर्ट्स भी लाता हूँ, आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो, उससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। मेरे चैनल पर जाइए, नीचे आपको मिल जाएगा मेरा चैनल का नेम, वहाँ पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आप मेरे चैनल पर पहुँच जाओगे। वहाँ मैंने बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो बनाकर रखे हुए, जाकर देखिए। तो बस, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।